अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि कल बहुत तेज़ बारिश थी, तो सारे परिंदों को हमने अंदर ही खाना डाल दिया था और बंद कर दिया था जल्दी। तो आज काफ़ी अच्छी धूप निकली है, सारे कबूतर खाने का इंतज़ार कर रहे हैं, बाहर निकल के आ चुके हैं, पर इनको अभी तक मैंने खोला नहीं है। बाकी मुर्गे को भी मैंने खोल दिया, ये भी बाहर घूम रहे हैं, और रिंगने को और मिट्ठू को भी मैंने बाहर निकाल दिया है, और लव बर्ड को मैंने चेक किया तो अल्हम्दुलिल्लाह से वो ठीक हो गई है। मतलब आहिस्ता आहिस्ता भी होगी, एकदम से तो नहीं होगी, पहले से काफ़ी बेहतर है। वो देखें अभी अंदर चली गई भाग के। तो खाना पानी में इनको डालता हूँ, थोड़ी सी और मेडिसिन डाल दूँगा उसके पानी में, ताकि वो पी ले पानी मेडिसिन वाला। तो अब ऐसा करते हैं कि बारी बारी सबको खाना डालते हैं। आज पैरेट के बच्चे भी देखने कॉलोनी में जाके, ज़रा कितना टाइम हो गया दिखे नहीं है। तो सबसे पहले कॉलोनी में ही खाना डालते हैं, चलते हैं अंदर और बच्चे वगैरह भी देखते हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो सारे? तो डस ने तो कर लिया कि अब हमने अंडे नहीं देने, और इन मटकियों में पानी खड़ा हुआ है, इस कॉर्नर से थोड़ा थोड़ा पानी आता है, तो इसका इलाज मैंने ढूंढ लिया, बस कुछ दिन में करेंगे वो भी। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ तो अंडे ही हैं अभी तक, और इधर भी अंडे ही हैं अभी तक। इधर चेक कर लेते हैं, इधर एक ही अंडा है, और इधर पानी से भरी हुई मच्छी, इधर तो नहीं पानी, ये ठीक है। बाकी बच्चे चेक कर लेते हैं। तो ये देखें बच्चे माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक है। एक पे ब्लू ब्लू कलर के पार आ रहे, क्योंकि बाप इनका ब्लू है, माँ इनकी ग्रीन है। अब देखते हैं कि कौन से कलर के बनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से बच्चे बड़े हो रहे हैं, और अंडे नीचे कुछ पड़े हैं, पता नहीं अब किसने फेंके हुए हैं। तो मैं ये इधर रख देता हूँ, ये इन्होंने फेंकी हुई उधर। तो खाना इनको डालते हैं जल्दी से, बाकी बर्ड भी इंतज़ार कर रहे हैं। मिट्ठू ने नीचे आज बहुत छोड़ डाला हुआ था, क्योंकि आज शहरी के टाइम उसको मेरे ख्याल से किसी ने कुछ डाला नहीं है, और उसको भूख लग रही है। उसको डाल भी दो तो वो उसने पानी में फेंकना होता है, तो सीड्स का ये कि सीड्स डालो तो वो पानी में वो नहीं फेंकता, वो आराम से खाता है। जी क्या मसला है, तुम फिर शॉपर खाने के लिए आए होगे, है ना? चलो भाग जाओ इधर से, भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ, ये बहुत तंग करता है मुझे। अब ऐसा करते हैं कि साथ ही में रिंगने का खाना उठा लेता हूँ। तो इस कैसा करते हैं कि मिक्स कर, लवबर्ड और रिंगने के लिए मैं खाना उठा के ले आया हूँ, तो उनको डालते हैं। मुर्गा पता नहीं किस साइड पे गया, नज़र नहीं आ रहा, तो अंदर तो नहीं चला गया माशाल्लाह से। इसको पता था मैं इधर आ रहा हूँ, इसलिए इधर आ गया ये पहले से। अभी तो मैं खाना नहीं डाल रहा मैं, चलो बाहर थोड़ा धूप लगवा लो, फिर मैं तुम्हें बंद कर दूंगा, फिर कहोगे कि मैंने बंद कर दिया जल्दी। चलो इनको मैं खाना डालता हूँ। वो देखिए फीमेल आई थी, अंदर चली गई है वापस, और पानी इनका थोड़ा सा मैं फ्रेश पानी डाल के उसमें मेडिसिन डालता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा पुराना हो गया पानी। ये लो दिखाता हूँ आपको मैं, ये देखिए। और ये मेरे ख्याल से अंडों पे बैठ नहीं रही, देखते हैं अंडे। तो अंडे तकरीबन ठंडे ही हैं, ये उन पर बैठ नहीं रही सही तरह, तो बस ठीक हो जाए, बाकी नेक्स्ट टाइम दे देगी अंडे, कोई बात नहीं है। देखें माशाल्लाह से ठीक हो चुकी है, उस दिन तो इससे ऊपर भी नहीं चढ़ा जा रहा था, आज अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक है। तो खाना मैंने इनको डाल दिया, पानी इनको चेंज करते हैं ज़रा। तुम इधर बैठ गए हो, क्या हुआ? तब जल्दी से रिंगने को दाना डालते हैं। आज मैं ऊपर ज़रा लेट आया हूँ, अजानें भी होने वाली हैं, जोहर की नमाज पढ़नी है, और आज तीसरा रोज़ा है। मिट्ठू को भी डालते हैं। मिट्ठू यार तुमने सारा केज गंदा किया, लगता है इसको किसी ने कुछ डाला है, ये इसका जो खाने वाली कटोरी है गंदी हुई हुई है, कोई चीज़ इसने खाई है। तो पैरेट्स का काम तो हुआ ख़त्म, पानी इनका रह गया सबको डालना। तो ऐसा करते हैं पहले मैं पानी डाल देता हूँ सबको, उसके बाद फिर मैं इनको दाना वगैरह डालता हूँ पिजन्स को। तो इनको भी पानी फिल कर देते हैं,
और आज पिजन्स को भी मेडिसिन डालनी है पानी में, थोड़ी सी मेडिसिन मिक्स करेंगे और जाके ज़्यादा बच्चे में देखता हूँ कितने कितने हो चुके हैं। मुर्गा अभी तक बाहर नहीं आया और ये सारे बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब खाना मिले हमें। बस थोड़ी देर और रुक जाओ तुम लोग, ये लो पानी पहले पी लो। पानी मैंने इनके लिए रख दिया इधर, और अंदर देख लेते हैं हरिंगने को पानी। और कल मैंने छत साफ़ की थी, माशाल्लाह से काफ़ी साफ़ है, क्योंकि मिट्टी वगैरह मैंने कहा चलो ख़त्म हो जाएगी। हरिंगने को पानी डल चुका है और मुर्गा इंतज़ार कर रहा है अपना, हटो इसको पानी डाल देते हैं। बाकी इनका जो लबर्ड का इनका जो कटोरी है वो मुझे वॉश करनी पड़ेगी, वो मैं निकाल लेता हूँ, वॉश करके लेके आते हैं, फिर इनको ताज़ा पानी डाल देते हैं। ये देखें काफ़ी गंदी हुई भी है, तो इसको वॉश करते हैं। और पानी में वैसे भी इधर ले आया वो, फिर हम इनको, ये देखें ग्रीन ग्रीन है, इसके अंदर मेडिसिन डली हुई है, ये मैं वॉश करता हूँ। तो वॉश मैंने कर ली थी, साथ में मेडिसिन लेने आया हूँ, तब से मेडिसिन भी उठा ली है मैंने, तो पानी भी साथ डालेंगे और मेडिसिन भी साथ ही डाल देंगे। दो तीन दिन और देंगे, जब बिल्कुल वो ठीक हो जाएगी उसके बाद मेडिसिन हम छुड़वा देंगे। हटो, ये देखें दोनों बाहर आए हुए हैं, पानी पीना आपने, ये देखिए पानी के लिए आई हुई बाहर, तो पानी में इसको डालता हूँ, मेडिसिन भी इनको डाल दिया मेडिसिन वाला, और ये पी के भाग गई अंदर, और ये पी नहीं रहा पानी मेडिसिन वाला, ये देखें किस तरह नखरे कर रहा है। यही पियोगे तुम, यही तुम्हारा पानी है, काफ़ी गंदी स्मेल है इस मेडिसिन की, इस वजह से वो भी नखरे कर रहे हैं, पी नहीं रहे। तो अब ऐसा करते हैं कि पानी का काम तो ख़त्म हो चुका है, अब मैं दूसरी मेडिसिन ले आता हूँ जो पिजन्स को डालनी है। मुर्गे को भी थोड़ी सी डाल देते हैं क्योंकि उसका कोई मतलब साइड इफ़ेक्ट नहीं है। धक्का नीचे गिरा है, तो ये मेडिसिन भी मैंने उठा ली है, ये थोड़े से पिजन्स को डालते हैं और मुर्गे को डालते हैं, फिर इनको मैं दाना डाल देता हूँ। दाना आज मेरे ख्याल से अंदर ही डालूंगा मैं, क्योंकि नमाज का टाइम हो रहा है, फिर शाम को इनको खोलेंगे बाहर। इसको मैंने मेडिसिन डाल दी है, अब मैं अंदर जा रहा हूँ मुर्गे को डालने के लिए। इसको डालते हैं जल्दी से, वो देखें माशाल्लाह से खाना खा रही है फीमेल। तो ये मेडिसिन है ये वाली, तो ये मैं थोड़ी सी इसमें पानी में डाल देता हूँ। चलो इसके पानी में मैंने डाल दी है, पानी पी लो आप। वो अब मैं लेके आता हूँ बाजरा, सबसे पहले मुर्गे को डाल के अंदर ही बंद कर देता हूँ, क्योंकि छत पे इसको खुला नहीं छोड़ना, ये दीवार पे चढ़ के नीचे जा सकता है, क्योंकि मैंने अभी जाना है नमाज के लिए। तो उसको डाल देते हैं अंदर ही, आ जाओ गेलो। तो इसको मैंने दाना डाल दिया, दरवाजा बंद कर देते हैं। शाम को खोलेंगे इनको और पिजन्स को भी थोड़ी देर तक, ये बाहर एक्टिव रहें, अपने पैर वगैरह सीधे कर लें। तो इनको दाना जब तक मैं डालता हूँ और मैं अंदर जाके देखता हूँ बच्चे वगैरह भी इनके। इतना डाल देते बाकी शाम को डालेंगे। तो ये बाहर आ चुके हैं सारे, मैं चलता हूँ अंदर, दरवाज़ा बंद कर लेते हैं ताकि बाहर ना चले जाएं। तो ये नई फीमेल पकड़ी थी वो है ये। बाकी दिखाओ भाई, इन्हें तो अंडे दे दिए मेरे ख्याल से, दिखाओ जी, इसने पेयर ने अंडे दे दिए हुए इस दफ़ा। इनका यहाँ से मैं नेस्ट तोड़ा था, ऊपर इन्हें बनाया। और सुनाओ कैसे हो, ये ब्लैक वालों का बच्चा जो ब्लैक पेयर हमारा येलो रिंग वाला, और ये ब्लू रिंग वालों का बच्चा है, इसका कलर तो अजीब सा ही आ रहा है, वो दोनों तो वाइट हैं, ये ब्लैक बन रहा है, पता नहीं किस पे जाएगा ये। और ये मेल बैठा है अंडों पे। बाकी ये वाइट रिंग वालों का बच्चा है,
और ये हमारे टेडी पेयर का बच्चा है जिसको ब्लू रिंग डले में, और ये ग्रीन रिंग वाली का बच्चा है टेडी। बाकी इनका अंडा ये गंदा है, दूसरा भी। बस अभी इतने ही बच्चे, बाकी अभी इंशाल्लाह अंडे वगैरह दे रहे हैं। तो घर इनका बनवाना है, भाई साहब आज भी नहीं आए, उम्मीद है कि कल लाजमी आ जाएंगे। मैंने उनको कहा है कल लाजमी आप आइएगा, ये दाना वगैरह खा रहे हैं सारे। मैं आ चुका हूँ, दाना वगैरह इनको मैंने डाल दिया है, बाकी शाम को इनको बाहर खोलेंगे और दाना वगैरह फिर डालेंगे। अभी सुबह का जो था वो मैंने इनको डाल दिया है। और इस साइड पे हमारे पैरट्स वगैरह भी नीचे उतरे हुए, दाना वगैरह खा रहे हैं। आज का व्लॉग एंड करते हैं, व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब भी बनेगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।